और ये काफी दिखने में तो इजी लग रहा है मगर डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है, और आपको ये दे रखा है एसीडी का जो एरिया है वो 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ये जो एरिया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि एडी का जो लेंथ होगा ना ये कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 208, ठीक है, 203, 206, 207, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, आपसे ये कहता है, ठीक है। अब एक चीज, ये बराबर नहीं बांटता, ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि अगर बराबर बांटता तो ये लंबत होता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं दे रखा है, समबाहु त्रिभुज में अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये दोनों बराबर भुजाओं को बराबर भाग बांटते हैं। अगर ये 6 है तो ये आधा आधा कितना होगा आपका, 3 होगा, और ये भी कितना होगा, 3 होगा। अगर ये ऊंचाई है, अगर ये 6 है तो ये √3/2, ये अगर √3/2 a होता है, यानी कट के कितना आएगा √3/2 a, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, इसका ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? अगर मैं कोई रेखा ले लिया हूँ यहाँ से, इसका नाम ले लिया हूँ, अगर मान लीजिए AN में खेलता, तो AN की जो लेंथ है वो कितना है आपका, AN का जो लेंथ है 3√3, ये ऐसे होता है समबाहु त्रिभुज में, जो शीर्षलम का जो ऊंचाई होता है √3/2 a होता है, एक जगह आपका 6 दे रखा है, यानी कि √3/2 एक जगह 6 है, अगर काटेंगे ये 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ना कि ये एरिया है। ये याद रखें, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, और यहाँ पे आपकी क्या है, लेंथ है। मैं इस फिगर को खोलता हूँ, थोड़ा देखेंगे आप लोग, जैसे ए एन ये डी है, ये ए डी मुझे निकालना है, ठीक है, मगर ए एन की जो लंबाई आए ये 3√3 आए। अब एक चीज देखें यहाँ पे कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज, ये पूरा संभाव त्रिभुज है, ये नहीं, संभाव त्रिभुज है, ये पूरा एरिया कितना होगा आपका, अगर मैं पूरा एरिया निकालू संभाव त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 6×6, ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका 9√3 आएगा पूरा पूरा। तो मैं इस आधे एरिया की बात करूँ, यानी कि इस एरिया का बात करूँ, तो ये एरिया कुछ आपका कितना आएगा, 4.5√3 आएगा। इधर भी ये पूरा एरिया आपका कितना आने वाला है, ये पूरा एरिया 4.5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मगर ये पूरा आपका 4.5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इतना 3√3 है, इसका मतलब ये जो छोटा एरिया है ये आपका कुल कितना होने वाला है, 1.5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये समबाहु सॉरी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 × b गुना क्या होता है, h होता है, और 1/2 b की जगह आपको b ही रखना है, और h की जगह तो 3√3 है, और बराबर ये 1.5√3 है, ठीक है। अगर आप इसे काटते हैं, अगर आप इसे काटेंगे तो ये √3 √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 × 15 ये 2, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यानी b की जगह आपका कितना आ गया, आपका 1 आ गया, ठीक है। जैसे 5 × 15 × 5 = 10, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि b का मान कितना है आपका, 1 आया, ये आपका 1 आया। अब ये ad निकालना है आपको, तो ad जो होगा सीधा सीधा, ad जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब आपका 3√3 है, अगर इसका स्क्वायर करें 9 × 9 = 27, 27, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, यानी 28, 28 का निकालेंगे 2√ कितना निकलेगा आपका, 7 निकलेगा, यानी AD की जो लंबाई है आपका 2√7 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बनता है, आपका आंसर ये, ठीक है। पहले तो दिखने में एकदम इजी लगता है, मगर जब हम इसे बनाते हैं थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं,